हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप अपने डेटा में स्टाइल्स कैसे लगा सकते हो। जैसे हमारे पास एक डेटा है, मैं चाह रहा हूँ हेडिंग में हेडिंग का स्टाइल आ जाए, या अलग तरीके से कलर आ जाए, बॉर्डर आ जाए, सब अलग तरीके से स्टाइल आ जाए। तो इसके लिए या तो एक प्रोसेस होता है कि हम एक एक पे क्लिक करें और जैसा भी मुझे करना है, बोल्ड करना है, कलर करना है, उन सबको मैं करूँ, और एक बाई डिफॉल्ट स्टाइल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हेडिंग्स हैं, इस पे मैं हेडिंग का कुछ स्टाइल लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक एक करके सेलेक्ट करूँ। उससे अच्छा है हमारे पास यहाँ होम टैब में स्टाइल वाले सेक्शन में सेल्स की स्टाइल्स को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप हेडिंग वगैरह आपको देख सकते हो, ढेर सारे हेडिंग्स का ऑप्शन है, हेडिंग वन, हेडिंग टू, जिस तरह से आप चाहो उस तरह से आप लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग वन देखा तो यहाँ पे मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, तो जो कलर मैं लगाना चाहूँ लगा सकते हो। जैसे मुझे अगर ये कलर अच्छा लग रहा है तो मैंने इस ऑरेंज कलर को चूज किया। अब यहाँ पे मैंने चूज किया हुआ है, अब इसके अकॉर्डिंग ये सब तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कलर में मैं कुछ थोड़ा चेंज कर दूँ, या थोड़ा बहुत किसी में चेंज कर दूँ, फॉर्मेट वगैरह मुझे बाकी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत मैं इसमें मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करना होगा, सेम उसी जगह पे आना होगा जिसको आपने चूज किया हुआ था, उसी पे राइट क्लिक करना होगा, मॉडिफाई में जाना है। यहाँ पे पूछेगा किस तरह से आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो, फॉन्ट वगैरह, फिल शेडेड वगैरह में, उन ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आप मॉडिफाई करने जा रहे हो, और यहाँ से फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, नंबर के सारे अलाइनमेंट होते हैं, नंबर्स अलग अलग हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए फॉन्ट, बॉर्डर सब चेंज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं अभी सिर्फ कलर चेंज करके दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं कलर चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर का आ जाए, तो मैंने ब्लू कलर को सेलेक्ट किया, ओके किया, देन यहाँ से भी ओके किया। अभी आप देखोगे सारी फॉर्मेटिंग वैसे ही है, बस उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। बाकी और भी कहीं पे अगर आप कलर लगाना चाहते हो तो आपने इस तरह से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप और किसी भी कलर को जिसको आप लगाना चाहते हो, जो सा भी स्टाइल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। आप देखोगे कि वो सेम स्टाइल आपके डेटा में, आपके टेबल में ऐड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप स्टाइल्स को ऐड कर सकते हो अपने सेल में। इससे क्या होता है, डेटा आपका थोड़ा अच्छा दिखता है, तो आपको जो डेटा होता है काफ़ी एफिशियंट होता है उस पर काम करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।